हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। तो चलिए, इस वीडियो में 10वीं कक्षा के मैथ क्लास जो चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम कुछ परिभाषाएं उसे जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पार्ट 2 चैप्टर जो है वह है बहुपद। तो इसके बारे में हम जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, या एकपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, या त्रिपदी बहुपद किसे कहा जाता है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे बहुपद, ठीक। हेडिंग क्या डालेंगे? बहुपद। और इसमें आपको ये लिखना है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद के लिए आपको बता दिया जाए कि बहुपद हमें जो प्राप्त होता है वो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। यह ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, ठीक, के रूप का होता है। और जहाँ यह द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद के लिए भी कार्य करता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, जिसे बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। या कई तरह, इसमें तीन तरह के पाए जाते हैं, या एक पदी बहुपद, जैसे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद या बहुपद, यह वह बहुपद होता है, बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद पाए जाते हैं। क्या? केवल एक पद पाए जाते हैं, ठीक, पाए जाते हैं, एक पदीय बहुपद कहलाता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान ले सकते हैं आप 2x या फिर 3y, 3z या फिर कुछ भी लिख सकते हैं आप etc, ठीक। इस तरीके से प्राप्त होता है, आप जानते हैं, आप द्विपदी, ठीक, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। और इसमें आप ये लिख सकते हैं, यह या फिर इसमें, इस बहुपद में दो पदों की संख्याएं या फिर चर चर राशियां होती हैं, ठीक, दो पदों की संख्याएं पाई जाती हैं, संख्याएं पाई जाती हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल पर आप लिख सकते हैं 2x + 2 या 3y + 4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दो पद में होने चाहिए। देखिए, पहला पद, दूसरा पद, यहाँ पहला, दूसरा, अर्थात दो पदों का क्या होगा, योग व घटाव से मिलकर बना बहुपद द्विपदी बहुपद होता है। आगे आप देख सकते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक, क्या, त्रिपदीय बहुपद। आप पहले और दूसरे से तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पद था तो एक पद थे, द्विपदी बहुपद के लिए दो पद, त्रिपदी बहुपद के लिए तीन पद। जी हाँ दोस्तों, इस बहुपद में तीन पद होते हैं, इस बहुपद में तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं, ठीक। इस बहुपद में तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, क्या, त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ax² + bx + c, ये पहले वाला एग्जांपल, या फिर आप लिख सकते हैं 2x² + 4x + 6, ठीक, -etc आप लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से एकपदी बहुपद था तो केवल एक पद, इसमें केवल एक पद प्राप्त होते थे, द्विपदी बहुपद के लिए दो पद प्राप्त हो रहे हैं, और त्रिपदी बहुपद के लिए क्या प्राप्त हो रहे हैं, तीन पदी बहुपद प्राप्त हो रहे हैं। तो आगे देखेंगे हम बहुपद की घात, इसे आप लिखना चाहते हैं द्विपद करके लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है, ठीक, इसे मिटा दिया जा रहा है, आप इसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए इसे, ठीक। तो मिटा दिया जा रहा है आपको, और इसमें आपको ये बताना है कि अब बहुपद की घात, यानी बहुपद में किस तरीके से घात है, हमें क्या करनी है, काउंट करनी है, या फिर किस तरीके घात होती है, उसी घात के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे। तो प्रश्नावली पर थोड़ा चलेंगे, तो इसके ये छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं जिसे जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक।
किसी चर, ठीक, बहुपद की घात क्या लेंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक, किसी चर, किसी चर यक्ष में उच्चतम, क्या उच्चतम घात की संख्या को, उच्चतम घात मतलब पावर, यानी जो संख्या क्या होती है पावर के रूप में लिखी जाती है पावर, ठीक, घात बहुपद की घात कहलाती है, क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है यानी बहुपद की घात हो गई, ठीक, यानी किसी चर राशि के ऊपर जो अंक चढ़ाए जाते हैं मूल राशि यानी मूल मात्रक या फिर मूल संख्या कह सकते हैं आप, जो संख्याएं चढ़ाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² + 3x या फिर आप +6 लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी इस तरीके से प्राप्त बहुपद है। इसमें देखिए उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या है, 2, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आगे आप यहाँ आंसर के तौर पर 2 लिख सकते हैं, चूंकि ये केवल उदाहरण था तो आप केवल उदाहरण लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं। और उसके बाद में प्राप्त होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के लिए आपको ये इसका परिभाषा देना पड़ता है कि घात एक के बहुपद को, घात एक के बहुपद को, बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप जान गए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात केवल एक होगी उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x लिख सकते हैं या 2t लिख सकते हैं, 3z या 3x लिख सकते हैं या 3y, etc। इस प्रकार से जिसकी घात केवल एक हो, क्या हो, घात केवल एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी एक घात वाली संख्या को हम या फिर एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद, ठीक। तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको ये भी आप जानना जरूरी है, द्विघात यानी जिसकी घात 2 हो, तो आप लिख सकते हैं घात 2 के, घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, क्या, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 2 हो गया, अर्थात इसके पहले जो इक्वेशन लिखा गया था ax² + bx + c, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ax² + bx + c, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल ही था, तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ax² + bx + c, जहाँ इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद है। या फिर लिख सकते हैं 2x² + 4x + 8, ठीक, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना में प्राप्त हो रहा है। तो अगला इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ etc कर सकते हैं आप, चूँकि जिसकी घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, तो इसकी द्विघात में क्या प्राप्त है, 2 प्राप्त है। आगे आप लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद, क्या, त्रिघात बहुपद, ठीक, त्रिघात बहुपद इसे आप लिख सकते हैं। ये त्रिघात बहुपद के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि घात 3 की, ठीक, क्या करना है, जिस तरीके से घात 1 और घात 2 के लिए लिया गया द्विघात और रैखिक के लिए, उसी प्रकार हम त्रिघात के लिए घात 3 के बहुपद को, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जहाँ इसका उदाहरण लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो इसे आप ये लिखेंगे ax³, क्या, ax³ + bx² + cx + d = 0, या फिर इतना हम लिख सकते हैं, जिसकी घात 3 होगी क्या होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 2x³ + 6x² + 6x + 8, इस तरीके से, यानी जिसकी घात में 3 होगी वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद, बहुपद की घात, एकपदी बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, जो भी परिभाषाएँ हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, धन्यवाद दोस्तों। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शून्यांक के लिए होगा, क्योंकि शून्यांक बहुपद किसे कहते हैं ये अभी नहीं बताया गया है। तो शून्यांक बहुपद देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।